कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। नहीं इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और फिर हमारी बस निकाली पापा। अपने उसी पापा से बोलो ना, तुम मणिपुर में वॉर चल रही है पापा, रुकवा दो ना। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। वॉर रुकवाने को लेकर मजाकिया दावा करने वाली बीजेपी की विज्ञापन गर्ल को इस नाटकबाजी के लिए सोशल मीडिया पर भारी फजीहतों का सामना करना पड़ गया। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लड़की इन छोटी मोटी मुसीबतों से खेलना बखूबी जानती है। ऐसे झूठे मूठे राजनीतिक विज्ञापनों में एक्टिंग करना ही इसका पेशा है। ये कोई अनाड़ी नहीं, ऐसी नाटकबाजी की खिलाड़ी है। आपको बता दें, इस वायरल बीजेपी के विज्ञापन में एक्टिंग करने वाली ये लड़की पहले भी ऐसे भ्रामक दावे वाले एड में एक्टिंग कर चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस लड़की को कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों में भी देखा गया है। इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे इस कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन में आप इस लड़की को देख सकते हैं जो वॉर रुकवा दी पापा वाले डायलॉग से फेमस हुई है। ये वही लड़की है जो बीजेपी के वॉर रुकवा दी पापा की पब्लिसिटी पा चुकी है। हालांकि इन सब विज्ञापनों के मुकाबले वॉर रुकवा दी पापा में इसकी एक्टिंग से हर कोई स्तब्ध है। झूठे दावे पर इस कलाकार ने जो एक्टिंग की है वो वाकई दिलचस्प है, लेकिन वॉर रुकवा दी पापा वाली लाइन ही सुनकर लोग नाराज हैं। मैंने कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। और फिर हमारी बस निकाली पापा। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय इस दावे का खंडन इसे हास्यास्पद बताते हुए कई बार, लेकिन दोस्तों इसे भ्रामक दावे को जन जन तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने इस विवादित विज्ञापन के माध्यम से इस लड़की से करवाने का काम किया जो अब भुगतना पड़ रहा है। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी से लेकर तमाम क्रिएटर अब बीजेपी के इस विज्ञापन पर इस लड़की को ट्रोल कर चुके हैं। खैर जो कुछ भी हो, ये वीडियो है जिसमें वॉर रुकवा दी पापा फेम गर्ल कांग्रेस के लिए भी विज्ञापन में कांग्रेस की तारीफ और बीजेपी को कोसती हुई नजर आई है। इस विज्ञापन में ये वॉर रुकवा दी पापा फेम लड़की कहती है, यदि हम सब के पास वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा, टैक्स का पैसा बीजेपी खाएगी, तो जनता का हित कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए हमें गुजरात में कांग्रेस को चुनना होगा। वॉर रुकवा दी पापा वाली ये लड़की कांग्रेस के एक और विज्ञापन में नजर आती है जिसे कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात में वोट मांगते हुए देखा जा सकता है। खैर दोस्तों, विज्ञापन में कलाकारों की एक्टिंग उनके पैसे से जोड़कर देखना ही ठीक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वॉर रुकवा दी पापा डायलॉग ने इस लड़की को काफी कुछ दिया है। मैंने कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। और फिर हमारी बस निकाली पापा।